हैं। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है, तो मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में मौजूद हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल है। तो विवादित बयानों पर कोर कमेटी में गाइडलाइन भी तय की जाएंगी, तो खराब परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षों के मामले पर मंथन किया जाएगा। 2023 में कमल का फूल फिर एमपी में लहराएगा, सिंधिया का बयान भी सामने आया है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है, सिंधिया ने बयान दिया है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है, अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हैं। और सिंधिया का बयान भी सामने आया, कहा कि 2023 में कमल का फूल फिर से एमपी में लहराएगा और कहा कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। तो मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है, विवादित बयानों पर कोर कमेटी में तय गाइडलाइन की जाएंगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी, साथ ही रणनीति भी बनाई जाएगी। इसी बीच सिंधिया का बयान भी सामने आया, कहा कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श, आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे और साथ में बैठकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा, इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर साथ मिलेंगे। 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है।